करेंगे राजस्थान की। क्या राजस्थान में भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है? क्या राजस्थान में भ्रष्टाचार का बोलबाला है? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि खुद प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत जब मौजूद रहे, उनके सामने शिक्षक ने ये कबूल किया कि उन्हें ट्रांसफर के लिए पैसे देने पड़ते हैं। जी हाँ, जब मुख्यमंत्री के सामने अगर शिक्षकों का ये कबूलनामा हो तो क्या कहेंगे? इसको लेकर जब टाइम्स ऑफ भारत के संवाददाता ने शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा से बातचीत करनी चाहिए तो वो हमारे सवालों से भागते हुए नजर आए, उन्हें नजरअंदाज करते हुए नजर आए। एक बार देखिए जरा। सर, बीजेपी ने कहा है कांग्रेस में भ्रष्टाचार शिष्टाचार कहा गया है, आप पर सर कल बात जो हुई है उसको लेकर बात कर रहे हैं, क्या रहा? तो आप देख सकते हैं किस तरह से शिक्षा मंत्री डोटासरा ने यहाँ पर इग्नोर किया है, कुछ भी बोलने से, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मतलब साफ है कि जो बात निकली है वो दूर तलक जाएगी। जिस तरह से कल शिक्षक सम्मान समारोह में बात हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री ने जब कहा कि क्या ट्रांसफर के लिए पैसे देने पड़ते हैं, सामूहिक आवाज आती है कि हाँ देने पड़ते हैं। और जब शिक्षा मंत्री से इस बार बात की जाती है, इस बात पर बात होती है, तो शिक्षा मंत्री किस तरह से कैमरे के सामने माइक को हटा देते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी नहीं बोलेंगे, मतलब चुप्पी है। तो देखा आपने आखिर किस तरह से जब हमारे रिपोर्टर टाइम्स ऑफ भारत के रिपोर्टर ने शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा से बात करनी चाही और इस बात पर रिएक्शन जाना चाहा तो किस तरह से कन्नी काटते हुए नजर आए शिक्षा मंत्री, कैसे अवॉइड किया, एक बार फिर देखिए। सर, बीजेपी ने कहा है कांग्रेस में भ्रष्टाचार शिष्टाचार कहा गया है, आप पर सर कल बात जो हुई है उसको लेकर बात कर रहे हैं, क्या रहा? तो आप देख सकते हैं किस तरह से शिक्षा मंत्री डोटासरा ने यहाँ पर इग्नोर किया है, कुछ भी बोलने से, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मतलब साफ है कि जो बात निकली है वो दूर तलक जाएगी। जिस तरह से कल शिक्षक सम्मान समारोह में बात हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री ने जब कहा कि क्या ट्रांसफर के लिए पैसे देने पड़ते हैं, सामूहिक आवाज़ आती है कि हाँ देने पड़ते हैं। और जब शिक्षा मंत्री से इस बार बात की जाती है, इस बात पर बात होती है, तो शिक्षा मंत्री किस तरह से कैमरे के सामने माइक को हटा देते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी नहीं बोलेंगे, मतलब चुप्पी है। तो देखिए आपने पूरी रिपोर्ट, अब आपको हम ये बताते हैं दरअसल राजस्थान में भ्रष्टाचार का खुला खेल कैसे चल रहा है और इसका खुलासा तब हुआ जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिक्षकों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने टीचर से पूछा क्या उन्हें ट्रांसफर के लिए पैसे खिलाने या फिर रिश्वत देनी पड़ती है, तो जवाब में क्या उन्हें सुनने को मिला, आखिर क्या ये पूरा मामला था, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पैसे खिलाने पड़ते हैं, आप बताओ ये सही बात है, मुझे नहीं मालूम है, पैसे देने पड़ते हैं क्या हमारे? तो बहुत ही दुखदाई बात है कि टीचर पैसे देकर ट्रांसफर करवाने के लिए वो लालच रहे, क्योंकि उसको मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी पॉलिसी बन रहा है जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस में मेरी तो मेरा नंबर तो 2 साल बाद आपको मालूम पड़ जाना चाहिए मेरी ट्रांसफर होगी तो 2 साल लगेगी लगेगी 3 साल लगेगी नहीं साल लगेगी सबको मालूम रहे, ना पैसे चलेंगे और ना MLA साहब को आप तंग करोगे, आप ही तंग खुद करोगे। MLA कपड़े आप फाड़ते हो, MLA कपड़े फाड़ता है मंत्री जी, उनको दोनों चाहिए। मतलब एक प्रकार से सब अपना काम अपने तरीके से करें ढंग से, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा। पर हम लोग सब इश्यूज को मेरी जानकारी में है, हम लोग बात करें मंत्री जी से। तो सुना आपने किस तरह से खुद मुख्यमंत्री के सामने टीचर्स ने इस बात को कबूल किया और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हतप्रभ थे, हैरान थे। हालांकि उन्होंने बहुत सहज रूप में उसे उसको लेकर संभालने की कोशिश की और ये कहा कि ऐसी कोई पॉलिसी बन जाए जिसमें टीचर्स के ट्रांसफर जो हैं वो आराम से उनका ट्रांसफर हो सके, उसके लिए रिश्वतखोरी जो है उसे बढ़ावा ना मिले। आपको शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें वो दावा करें कि उनके स्टाफ में कोई चाय पीने की भी बात नहीं बता सकता।
मेरे शिक्षा मंत्री रहते हुए अगर मेरे यहाँ पर स्टाफ में अगर एक चाय पीने का भी कोई बता दे तो मुझे बता देना, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो इशारा था कि कहीं न कहीं जेब कट जाती है, वो मेरे नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षकों के ट्रांसफर की नीति लागू करके उसको बिल्कुल खत्म किया जाएगा। तो हालांकि यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री हैं वो सफाई देते हुए जरूर नजर आ रहे थे। भंवर पुष्पेंद्र मेरे सहयोगी राजस्थान से मेरे साथ में जुड़े हैं। भंवर पुष्पेंद्र, ये बहुत मुझे लगता है अजीब परिस्थिति जरूर बनी जब खुद मुख्यमंत्री के सामने जो रिश्वतखोरी है, जो ये रिश्वतखोरी का धंधा चलता है, वो उनके सामने खुद स्वीकार किया ऐसे मंच पर जहां मुख्यमंत्री भी थे और शिक्षा मंत्री भी थे। अब ऐसे में शिक्षा मंत्री का क्या कहना है? देखिए, शिक्षा मंत्री का क्या कहना है वो स्क्रीन पर आप देख ही चुके हैं। उन्होंने खामोशी साध ली है, चुप्पी साध ली है, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जब टाइम्स नाउ नव भारत ने बात करने की कोशिश की है, उन्होंने माइक हटा दिया है और वो गाड़ी में बैठ कर रवाना हो गए हैं। मतलब साफ है कि जिस तरह से वो गाड़ी में बैठ कर रवाना है, उनकी रवानगी को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कल मंच से एक बयान ये भी दिया था कि ऐसा लग रहा है जैसे डोटासरा का ये विदाई भाषण हो। तो आप इशारा समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजस्थान में कांग्रेस में खासतौर पर राजनीति का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने बहुत अच्छे एक सहज तरीके से ये पर काटने की कोशिश कर दी, जिस तरह से लगातार विवादों में डोटासरा रहे उस पर मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से लोगों से स्वीकारोक्ति दिलाई कि करप्शन हो रहा है और शिक्षा विभाग में हो रहा है। शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में वो ये बात स्वीकार करवा गए और इशारा कर गए कि ये उनका विधायी भाषण जैसा लग रहा है। तो आप साफ तौर पर इसमें राजनीतिक इशारा किस तरफ है अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं डोटासरा की अगर बात करें तो ये कोई पहला विवाद नहीं है। डोटासरा पर करप्शन के बहुत सारे चार्जेस लगे। हमने खुद टाइम्स नाउ नेटवर्क ने खबर दिखाई जिसमें बताया गया था कि किस तरह से वो सारा बजट अपने विधानसभा क्षेत्र में ले जाते हैं और थैंक यू कहकर माइक हटा देते हैं। और टाइम्स नाउ के सामने आज भी उन्होंने वही किया, फिर से माइक हटाया, जवाब देने की कोशिश नहीं की। आरपीएससी के अंदर भी 80-80 अंक दिलाकर लोगों को नौकरी, अपने रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने का आरोप उन पर लगा है। हाल ही में 3 दिन पहले अपने एक रिश्तेदार को यानी अपने लड़के के ससुर को एक विशेष पद पर नियुक्त करने का पत्र उन्होंने जारी किया, एक भर्ती सिर्फ अपने संबंधी के लिए। तो इस तरह के तमाम आरोप जो गहलोत मुख्यमंत्री हैं उनकी नज़र में थे, लेकिन वो चूंकि पायलट और गहलोत के बीच में जो चल रहा था उसको लेकर के उन्हें सबको साधने की जरूरत थी। लेकिन अब जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात उन्होंने 1 घंटे पहले कही कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और उसके 1 घंटे बाद इस तरह का बयान सामने आता है कि क्या पैसे लेने पड़ते हैं, वो भी शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में, और लोगों से वो स्वीकारोक्ति दिला करके फिर कहते हैं कि कमाल है, वाकई कमाल है। क्या कमाल डोटासरा कर रहे हैं उसको दिखाने की कोशिश बहुत ही सहज और सटीक तरीके से गलत ने की है। ये एक राजनीतिक पेच है, इसको समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल, और ये बहुत सहज रूप में ये कहा जाए एक तीर से कई निशाने यहां पर जरूर गहलोत साहब ने मुख्यमंत्री राजस्थान के लगा दिया। बने रहिए मेरे साथ में भंवर पुष्पेंद्र। इस पूरे मसले पर बीजेपी का क्या कहना है वो भी हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। बीजेपी कह रही है राजस्थान में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बीजेपी इस मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। यहां शिक्षा मंत्री राजस्थान के उनके जो डिपार्टमेंट के बारे में सार्वजनिक रूप से सवाल पूछा गया, वो भी मुख्यमंत्री द्वारा, जहां जनता ने एक नहीं दो बार, जनता नहीं माफ कीजिए टीचर्स ने सरेआम कहा कि ट्रांसफर्स के अंदर पैसे ले जा रहे हैं, तो ऐसे मामले में तो एक तरह से इंक्वायरी जनता के सामने हुई, उसका फैसला जनता ने सुनाया। अब एजुकेशन मंत्री को मॉरल उस पर जिम्मेदारी पर अपना पद त्याग देना चाहिए। अगर वो अपना पद नहीं त्यागते क्योंकि कुर्सी बचा के रखना चाहते हैं, तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को उनको अपने पद से हटाना चाहिए, नहीं तो एक इंक्वायरी होनी चाहिए इसके ऊपर। तो बिल्कुल सरासर पूरी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए कि एक ऐसा नेक प्रोफेशन, ऐसा नेक व्यवसाय, ऐसा नोबल व्यवसाय जो हमारे आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करेंगे, वो अपने तबादले के लिए या तो जी हजूरी करनी पड़ती है या उनको रिश्वत देनी पड़ रही है, ऐसा माहौल हो गया है। इसमें तो पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और इसको उनको पद से हटाना चाहिए। राजस्थान में पहली बार किसी मुख्यमंत्री के सामने मुख्यमंत्री द्वारा किए गए सवाल पर बड़ा समूह, वो भी शिक्षक जैसा समूह खड़ा होकर ये कहे, हाँ तबादलों में भ्रष्टाचार हुआ, हमने पैसे दिए। और उसके बाद मंच पर मौजूद शिक्षा मंत्री माइक बंद करके
बिना स्पष्टीकरण के चला जाए। मैं समझता हूं कि इंटरनल ट्रांसपेरेंसी ने जो बात कही थी कि प्रदेश इस देश का सर्वोत्तम भ्रष्ट राज्य है, ये सिद्ध हो गई। और विशेष तौर पर सितंबर में जब स्थानांतरणों पर प्रतिबंध लग गया, पिछले दरवाजे से बैक डेट के अंदर जो स्थानांतरण किए गए उसमें जमकर चांदी टूटी गई। अब ये प्रमाण मुख्यमंत्री जी के सामने है कि उन्हीं की उनके द्वारा पूछे गए सवाल में शिक्षक जैसा वर्ग, वो भी शिक्षक सम्मान समारोह जैसे प्रतिष्ठित समारोह में कहे, हाँ भ्रष्टाचार हुआ है और हमने हमारे स्थानांतरण में पैसों का लेन देन हुआ है। ये दुर्भाग्य है राजस्थान का और राजस्थान की भ्रष्टम सरकार के चेहरे से नकाब हट चुका है। तो लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। वही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ट्वीट करते हुए अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि गहलोत जी के भूतकाल में किए जीरो करप्शन के वादे को 100% फॉल्स कहने में अब उन्हें भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षकगण सामूहिक रूप से उनकी तरह झूठ नहीं कह सकते। और आगे उन्होंने ये लिखा है कि जब भविष्य निर्माता शिक्षक ही स्वीकारने लगे कि उन्हें स्थानांतरण के लिए रिश्वत देनी पड़ती है और वो भी राज्य शिक्षा मंत्री के सामने, तो बच्चा भी समझ सकता है कि राज्य का वर्तमान कैसा है। मुख्यमंत्री जी ने खुद ही सवाल कर अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार पर मोहर लगा दी है। ये निशाना साधा है जल शक्ति मंत्री ने। और आपने देखा भी कि किस तरह से ट्वीट के जरिए उनका सीधा सीधा जो निशाना था वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर था। यह मैं गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट पढ़ रही थी। मेरे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र लगातार मेरे साथ में है। भंवर, जिस तरह से आप गोविंद डोटासरा पर लगे आरोपों की बात कर रहे थे, अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने का आरोप उन पर है, और शिक्षकों ने तो खुले मंच से मुख्यमंत्री के सामने इस बात को स्वीकार किया कि रिश्वतखोरी होती है, ट्रांसफर के नाम पर उन्हें पैसे देने पड़ते हैं तब जाकर रिश्वत देने के बाद में उनका ट्रांसफर हो पाता है, अब ये तो खुला खुला आरोप है और सीधा सीधा सटीक आरोप है। अब ऐसे में क्या कहा जाए, क्या गोविंद डोटासरा के खिलाफ प्रदेश सरकार कोई एक्शन लेगी, क्या मुश्किल बढ़ेंगी, अभी तक कोई हलचल है? देखिए, हलचल के नाम पर आपने देखा होगा कि बिल्कुल खामोशी है और माइक हटाए जा रहे हैं। और अब जो इस तरह की स्वीकारोक्ति उस पूरी बैठक के अंदर सामने आई है सामूहिक रूप से और शिक्षक वर्ग के द्वारा, तो आप समझ सकते हैं कि पढ़े लिखे को आरसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या। जब सामूहिक रूप से प्रदेश के मुखिया के सामने इस तरह की बात सामने आ रही है तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमें थोड़ा सा पीछे भी देखना चाहिए। जब हम पृष्ठभूमि खंगालेंगे तो आरोप खूब लगे हैं डोटासरा पे, जिस तरह का मैंने बताया कि उनको रिश्तेदारों को लाभ देने का आरोप रहा, आरपीएससी में घपले का आरोप रहा, चाहे बजट को अपने क्षेत्र में ले जाने का आरोप रहा और तमाम तरह के आरोप तो लगे। पुष्पेंद्र, आखिर जब राज्य सरकार की छवि इस तरह से धूमिल हो रही है तो कार्रवाई कब होगी और क्यों नहीं हुई अभी तक, ये बड़ा सवाल है। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।